रहमानी रहीम। मैं आपके लिए जो चीज़ बना रही हूँ आज वो है गुलाब जामुन, जिसके लिए चंद चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो ये हैं, एक अदद अंडा, थोड़ा सा घी, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मिल्क पाउडर, छोटी इलायची, बादाम पिस्ते और पिसा खोपरा और चीनी और पानी। अब हम इन चीज़ों को एक बॉल में शामिल करेंगे। मिल्क पाउडर डालेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद इसमें मैदा डालेंगे 2 चम्मच, फिर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, फिर 1 चम्मच घी, फिर इन सबको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, फिर उसके बाद इसको जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर इसमें एक अंडे डालेंगे और अंडे से इसको गूंदेंगे। और इसको एक डो की शक्ल दे देंगे। फिर हमने जो चीनी रखी थी, 1 प्याली चीनी और 1 प्याली पानी डाल के हम लोग उसका शीरा बना लेंगे। इसको हल होने तक मिक्स करेंगे अच्छी तरह से कि चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और इसमें छोटी इलायची भी डाल देंगे। फिर जो हमने डो तैयार की थी उसकी हम लोग छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे, या जैसी आपको पसंद हो, छोटी बड़ी, उसका शेप दे देंगे अच्छी तरह से। वो तेल में डाल देंगे, और इसको गोल्डन शेप दे लेंगे। सारे गोल्डन हो गए, अब हम इनको अगर काला करना हो तो इसको और ज़्यादा कर सकते हैं, बस मेरे को इतना लाइट पसंद है। फिर इनको हम शीरे में डाल देंगे इधर पर। जो हमने गुलाब जामुन तले थे वो हमने शीरे में डाल दिए थोड़ी देर, फिर उसके बाद सारे मोटे होके ऊपर आ गए। अब हम आपको इसको काट के दिखाएंगे कैसा बना है, और इसको हम गार्निश कर लेंगे। बिस्मिल्लाह।